एम्प्लॉई में एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सिविल कोर्ट रिकॉर्ड्स, मैरिज रजिस्ट्री, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, उसने जो भी कहा आपसे सारे फैक्ट सही है कमांडो। 4 साल की बेटी थी उसकी। हम रूट बदल रहे हैं। अब आप लोग एक बोट से जाएंगे और एक ऐसे पोर्ट पर उतरेंगे जो मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ मेरी टीम आपको रिसीव करेगी और एक प्राइवेट एयरफील्ड पर ले जाएगी, जहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट में आप इंडिया वापस जाओगे। प्राइवेट एयरपोर्ट फील्ड पे ड्यूटी फ्री दुकान होते ना? इसको पता होगा। थाईलैंड में बैंकॉक का सबसे बड़ा मॉल टर्मिनल 21। उस मॉल के लॉकर रूम के लॉकर नंबर 307 से मुझे एक चाबी चाहिए। उसी चाबी से मेरे बैंक का लॉकर खुलता है। एक बार पैसा मेरे पास आ गया तो तुम जो बोलोगे वही करूंगा। अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। फाइन, टर्मिनल 21 के लॉकर रूम में फोन करो और पूछो कि लॉकर नंबर 307 किसका है, और दूसरा कॉल करो नेशनल बैंक ऑफ बैंकॉक को ये कंफर्म करने के लिए कि वहां मेरा अकाउंट है या नहीं।
वी नीड टू टॉक। हमें मिस्टर अय्यर वाले पोर्ट पर नहीं बल्कि दूसरे पोर्ट पर जाना होगा। करण तुम थोड़े पागल थे मुझे पता था, लेकिन इतने पागल हो उसका आइडिया नहीं था मुझे। विक्की को तिहाड़ ले जाके मरवाने में कोई फायदा नहीं है बख्तावर, उसे बैंकॉक ले जाने में ज्यादा फायदा है। कमांडो जो कहा गया है करते हैं, नहीं तो। नहीं तो क्या, सल्यूट बजाते रहोगे तो ड्यूटी कौन करेगा सफर? तुम करोगे ड्यूटी। तुम्हें अभी गोली मार दूं ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा करण, सो डोंट टेस्ट माय पेशेंस। एकदम गाल ले दो आग, मालूम नहीं पड़ रहा सर इन्हें करेक्ट बोल रहा है या इनके काना बज रहे मारिया वारिया की आवाज। वी बीन कॉम्प्रोमाइज, हम पे कभी भी अटैक हो सकता है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या?